हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेट्रो इलेक्ट्रो। सर्दी का मौसम तो चले गया, अभी आ रहा है गर्मी का मौसम। तो ये गर्मी का मौसम में आपका OLT स्विच जो कंट्रोल रूम में जो डिवाइस यूज होता है, वो डिवाइस को आप कैसे ठीक रख सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं वो जो डिवाइस है गर्मी का मौसम में ज़्यादा खराब होते हैं और हम लोगों का डिवाइस तो 24/7 चलते हैं। तो बहुत सारे अफोर्ड है जो ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या होता है ना, गर्मी का मौसम में वो उन लोगों का जो डिवाइस यूज करते हैं, इंटरनेट केबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो डिवाइस ज़्यादा खराब होने की वजह से उन लोगों का लाइन का प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। तो विदाउट एसी में आपका डिवाइस को कैसे मेंटेन करेंगे, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। मैं एक कंट्रोल रूम को सेटअप किया है, आप देख सकते हैं। देखिए, मैं दो डिवाइस इंस्टॉल किया है, एक नीचे में और एक ऊपर। ऊपर का जो डिवाइस है साइरोटेक कंपनी का 4-पोर्ट ईपोन OLT, और नीचे जो इंस्टॉल किया है ये 4-पोर्ट DBC का है। अब देख सकते हैं, ठीक फ्रंट साइड में और एक फैन इंस्टॉल किया है जो दोनों को एक साथ हवा दे रहा है। तो आप आपके पास दो तीन ऐसे OLT रहेगा तो आप सेम तरीके से अब दे सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आप हवा देंगे तो ये जो OLT का जो SFP पोन है, वो SFP पोन का जो हीट है वो थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा होएगा तो 75 ऐसा कुछ हो जाएगा तो हैंग हो जाएगा, तो इसीलिए ये पंखा का बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।